हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। वो असाइनमेंट की डेडलाइन कब तक है? क्योंकि ड्यू डेट कोई लिखी नहीं आ रही उस पे। अच्छा वो मैंने ना डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी थी, मैं उधर शेयर अच्छा हाँ मेंशन वो करना ठीक भूल हो गई। गया, 22 22 अगस्त है। जी, ठीक हो गया, थैंक यू, याद आ वो गया, मैं ठीक उधर भी ना चेंज कर देती हूँ। हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। जरा स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके मैम,
चलो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर आ ही जाएंगे। अच्छा, एक तो जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है ना, तो उसकी ड्यू डेट पता नहीं क्यों नहीं उधर शो हो रही, तो ये मैं चेक कर लूंगी। वैसे डॉक्यूमेंट खोल के देखें तो उसकी ड्यू डेट है 22 अगस्त, तो आपने ये 22 अगस्त या उससे पहले ही सबमिट करवानी है असाइनमेंट। पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर देती हूँ कि उसमें करना क्या है। आवाज मेरी आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, आ रही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है ना, इसमें बेसिकली आपको एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम गिवन है, ठीक है। इस एल्गोरिदम के लिहाज से आपने इसकी टाइम एफिशिएंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। जो हमने पिछले लेक्चर में ना केस स्टडी पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे पास एल्गोरिदम था कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट एरे में से फाइंड आउट करना है। इसके अंदर जो हमारे पास एल्गोरिदम है, इसके अंदर हमने एरे में बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है ये, ठीक है। यहाँ पे ये जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये आपको ये सिंबल क्लियर हो जाएगा। यहाँ वो लेफ्ट एरो था जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे सुडो कोड्स में यूज होता है। तो इसकी आपने एक तो टाइम एफिशिएंसी फाइंड का इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और दूसरी स्पेस एफिशिएंसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर टू के अंदर एक ये लेक्चर टू के अंदर जो हमने केस स्टडी पढ़ी थी ना, ये बिल्कुल उसी तरह से आपने सॉल्व करना है कि हर लाइन ऑफ सूडो कोड के अक्रॉस आपने देखना है कि कितना टाइम वो लेगा एल्गोरिदम रन होने में। ये यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रही थी ना कि यूनिट कॉस्ट कितनी लेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने इसके अंदर हर यूनिट कॉस्ट के अक्रॉस परफॉर्म हो रहे हैं, और उसको हमने एंड में सम करके तो टोटल कॉस्ट हर लाइन ऑफ सूडो कोड की फाइंड आउट करनी थी, और एट द एंड इन सबको एडअप किया था। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी थी, लेकिन इसमें आपकी इक्वेशन ऑब्वियसली चेंज बनेगी। दूसरी एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि आपके पास देखें दो लूप्स है ना, नेस्टेड लूप्स है। तो जब नेस्टेड लूप्स आपके पास अप्लाई हो रहे होते हैं ना, कि आज के लेक्चर में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, तो हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को यानी इसकी कॉस्ट को फर्स्ट लूप की कॉस्ट जो भी आएगी उसको, और जो दूसरे लूप की कॉस्ट आएगी ना उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना, क्योंकि नेस्टेड लूप का मतलब है ना कि जो आपकी ये जो अंदर वाली ये दो आपके पास लाइन ऑफ कोड है, ये इन दोनों लूप्स पे डिपेंडेंट है। यानी ये दोनों लूप्स जितने टाइम्स चलेंगे उतने टाइम्स ये दोनों लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और देन हमने इसको ऐड करना है। जो आपके पास यूनिट कॉस्ट आएगी ना हर स्टेटमेंट के अक्रॉस, इसकी मैं बात कर रही हूँ कि लेट सपोज आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाले फॉर लूप की कितनी कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, फिर आप लिखेंगे कि सेकेंड वाले फॉर लूप में कितनी कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है। तो एट द एंड ये जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना टाइम वाली, तो वो वाली दोनों कॉस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, और उस लूप के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि दो आपके पास फर्दर लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है और यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है। तो ये पहले स्वैपिंग वाली जो भी कॉस्ट आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले को इस लूप की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस लूप की कॉस्ट वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जब नेस्टेड लूप अप्लाई हो रहे होते हैं, तो क्योंकि दोनों लूप्स की वजह से हमारे उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसलिए हम एट द एंड जो कॉस्ट आती है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर देंगे जैसे हमने इस केस में किया था। उसके बाद अगेन आपने बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस के लिहाज से अपनी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये ग्राफ शाफ की तो जरूरत नहीं है, ये आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होगी कि क्या बनेगी। तो आपने अपना एल्गोरिदम देखना है, इस एल्गोरिदम के अंदर आपके पास मैक्सिमम क्या चीजें यूज हो रही हैं, या तो सिंपल वेरिएबल्स यूज हो रही हैं या फिर आपके पास एरे यूज हो रही है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट होगी। तो वही चीज करनी है कि टाइम एफिशिएंसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, स्पेस एफिशिएंसी बतानी है, फिर आपके पास ये जो करेक्टर है ना, सॉरी ये जो एरे है, ये हम सपोज कर रहे हैं कि इसकी डेटा टाइप डबल है, तो उस लिहाज से आपने इसकी स्पेस एफिशिएंसी बतानी होगी। फिर इसका बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस की जो इक्वेशंस हैं वो डिस्कस करनी है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और एट द एंड आपने करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम बताने हैं। करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम भी हमारे पास इस लेक्चर में बताया हुआ था, ये 1 मिनट। करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम के जो 3 स्टेप्स होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन, इन तीनों का जो मेन जनरल कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखते हुए आपने अपने लिहाज से लिखना है कि
इस बबल सॉर्ट के अंदर ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये किस तरह फुलफिल हो रही हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने 22 अगस्त तक सबमिट करवा देना है, और इसको आप बेशक वर्ड पे लिख लें अगर आप वर्ड पे करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप बेशक पेन से अगर करना चाहते हैं तो करके इसको वर्ड पे पेस्ट करके इस तरह से सबमिट करवा दें, यानी इमेजेस लेके ना, और उस इमेज उन इमेजेस को अपनी हैंड राइटिंग में लिख के इमेजेस लेके तो आप उसको वर्ड पे पेस्ट कर दें और वो चीज सबमिट करा दें। तो दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, जो भी आपके लिए इजी हो ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जरा सोचना पड़ेगा टाइम एफिशिएंसी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। बाकी आज के लेक्चर में कुछ बीच में छोटे छोटे टास्क होंगे तो वो अच्छा है कि अगर आप अपने पास कोई पेन और कोई चीज रखें, क्योंकि एट द एंड मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगी गूगल क्लासरूम पे, आपने उसके अंदर वो टास्क अपलोड करने होंगे उसके इमेजेस बना के जो भी आपने सॉल्व किया होगा पेन से ठीक है, क्योंकि उसकी भी मार्क्स होंगे। अच्छा नेक्स्ट, ये जो आप लोगों के लास्ट क्विज हुआ था उसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी, तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो एक दफा देख लें, आप लोगों के यही मार्क्स क्विज में बन रहे थे ना, जो मार्क्स स्कोर आउट होके आए थे एमसीक्यूज के बाद। अब सब तो आए नहीं है लेकिन जो प्रेजेंट हैं वो देख लें। यस मैम, यही थी। ठीक है, किसी का अगर कोई डिफरेंट है तो वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी सलमान ने क्विज जाके दिया है 12:30 पे, तो उसने उसका क्विज एक्सेप्टेबल नहीं है क्लास के टाइमिंग में। जब क्विज हुआ है तो क्लास के टाइमिंग में ही दें ठीक है, वो टाइम उधर नजर आ जाता है जिस टाइम आपने क्विज अटेम्प्ट किया होता है, मैम तो 12:30 पे मैम टाइम खत्म हो चुका था। 12:13 की, सॉरी हाँ उस दिन 9 बजे क्लास थी। जी, ये सिद्दीकी में आई आएगा मेरे नेम में, एहान सिद्दीकी में एंड पे आई। ई की जगह। चलें ठीक है, मैम नुमान के भी नहीं लगे हुए मार्क्स उसने दिए थे क्वेश्चन हाँ नुमान, नुमान के वो जरा नाइन आएगा ना, मार्क्स मैं उससे एक यस बार कंफर्म कर लूंगी। 9 ही थे ना उसके, मेरे मैम पास भी, नाइन मुझे भी 9 ही, वो असल में उसे मैंने ना ईमेल एड्रेसेस नहीं लिखवाए तो कुछ चीजें ना मिक्स हो गई थी। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था वो इसने, चलिए ये आएगा तो मैं इससे पूछ लूंगी। एक और क्विज भी अटेम्प्ट हुआ हुआ था लेकिन मैं ये देख रही थी कि ये तो पहले दिन आया था और उसमें 9 मार्क्स थे, तो होगा शायद इसी का ही, क्योंकि ये तो एब्सेंट था और सलमान ने क्विज ही लेट दिया क्लास के टाइम में, यानी सलमान नहीं था प्रेजेंट, सिर्फ ऑनलाइन करके चला गया अपने आप को। अच्छा सलमान आए हुए हैं आप, सलमान तो आपने क्यों इस तरह किया है क्विज, जिस टाइम हो रहा था उस टाइम क्यों नहीं दिया? आज फिर शायद ऑन करके चला अभी गया भी तो नहीं ऑन करके चलेगी, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, मैं बता रही हूँ इस किस्म की हरकतों पे अटेंडेंस। अब जो मैं लगाया करूंगी ना वो मैं बोलूंगी नाम, तो आपने प्रेजेंट बोलना है तो तब अटेंडेंस लगेगी, सिर्फ आपको देख के नहीं मैं लगा दूंगी कि यहाँ पे ये ऑनलाइन है तो चलो जी अटेंडेंस लगा दी। इसको बता देना सलमान को, जो आप है ना हसन और नुमान, इसको कहना है कि ये क्विज वाली और इस तरह की चीजें जो है ना आप अवॉइड करें। मैम बता देंगे। ओके मैम अच्छा चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लेक्चर कर रहे थे, यहाँ से दोबारा से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि बेसिकली था क्या। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम देख रहे थे कि आपके पास एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता क्या है, कि कोई अगर हमें कह रहा है कि एल्गोरिदम का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, के हम उस एल्गोरिदम को किस किस्म की इनपुट दे रहे हैं उसके लिहाज से उसके क्या एनालिसिस आ रहे हैं। एनालिसिस यानी वही कि किस फंक्शन की फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है एल्गोरिदम, तो इसके लिए कुछ नोटेशंस यूज होती हैं जिनको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली आपका एनालिसिस किसी भी एल्गोरिदम का ही नहीं, 3 तरीकों से होता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्स्ट केस से, बेस्ट केस से और एवरेज केस से। अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वर्स्ट केस को हम विगो नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट केस को हम ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज केस को हम थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि आर लैंग्वेजेस दैट अलाउ अस टू एनालाइज एन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम बाय आइडेंटिफाइंग इट्स बिहेवियर एज द इनपुट साइज फॉर द एल्गोरिदम इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे आप हम एल्गोरिदम का इनपुट साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उस एल्गोरिदम का क्या बिहेवियर है,
कि वो किस फॉर्म में ग्रो कर रहा है, लीनियरली ग्रो कर रहा है या एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस चीज को हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलते हैं। और ये जो चीज है कि इनपुट साइज के साथ आपका एल्गोरिदम ग्रो कर रहा है, इसको हम एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। अब आपके पास ये डेफिनेशन एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट हो कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज होते हैं और नोटेशन क्या है कि इसके एनालिसिस को जो हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन यूज होती हैं। अब बेसिकली आपके पास ये बिग ओ और ये ओ नोटेशन थीटा ओमेगा होता क्या है। अब फर्स्ट करें कि हमने सपोज किया कि एक एल्गोरिदम मैक्सिमम जो है आपके पास 10 सेकेंड्स ले सकता है एग्जीक्यूट होने में और मिनिमम जो है आपके पास ये 2 सेकेंड्स ले सकता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। दो लिमिट्स हैं, एक मिनिमम वाली लिमिट है और एक आपके पास मैक्सिमम वाली लिमिट है। तो अगर तो एक एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में तो ये इसका वर्स्ट केस कहलाएगा कि ये मैक्सिमम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता है ये एल्गोरिदम। लेकिन अगर ये एल्गोरिदम मिनिमम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में तो ये इसका बेस्ट केस कहलाएगा कि आपके पास मिनिमम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है इनपुट पे। जैसे फर्स्ट करें सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है, हम उसे इनपुट ही 5 नंबर्स दे रहे हैं तो वो मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि अगर हम उसी सेम एल्गोरिदम को इनपुट दे रहे हैं 100 नंबर्स की, उनको सॉर्ट करो, तो उस केस में ये एल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो इस लिहाज से बेस्ट और वर्स्ट और एवरेज केस को हमने डिनोट किया हुआ है। अब अगर एक एल्गोरिदम बीच में कोई टाइम ले रहा है, यानी ना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज टाइम लेगा ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में। बेस्ट को फिर हम अगेन वही ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्स्ट को हम ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और एवरेज को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी जो इसके अलावा हम ये क्योंकि आपके पास मैक्सिमम लिमिट है एक एल्गोरिदम की जितना भी वो टाइम लेगा, तो इसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं कि ये अपर बाउंड है हमारा कि इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में। क्योंकि एग्जैक्टली टाइम तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये डिपेंड्स ऑन इनपुट और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसपे एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है। या फर्ज करें कि आपने एक ऐसे सिस्टम पे एल्गोरिदम चलाया है जो कि ज्यादा फास्ट है, उसका प्रोसेसर ज्यादा है तो वो कम टाइम लेगा, तो इसलिए हम एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते। हम एक फंक्शन की फॉर्म में टाइम बताते हैं कि लीनियरली ग्रो कर रहा है या किस फॉर्म में जा रहा है। जबकि जो बेस्ट केस है उसको हम लोअर बाउंड्री बोलते हैं कि सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ कितना टाइम ये लेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लोअर बाउंड है या तो एल्गोरिदम इसके इक्वल टाइम लेगा यानी मिनिमम टाइम लेगा या इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। इससे कम टाइम तो नहीं कोई भी एल्गोरिदम ले सकता क्योंकि ये तो इसकी मिनिमम लिमिट थी। तो जो आपके पास बेस्ट केस होता है ना उसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है कि या तो इससे ग्रेटर टाइम लेगा कि एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में या इसके इक्वल टाइम लेगा। तो इस इन दो कंडीशंस के लिहाज से यानी ग्रेटर देन और इक्वल के लिहाज से ओ नोटेशन को मजीद हमने ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन और एक को हम कहते हैं लिटिल ओ नोटेशन, ठीक है। कि या तो ये ग्रेटर टाइम ले सकते हैं लोअर बाउंड के या लोअर बाउंड के इक्वल टाइम ले सकते हैं। ये सॉरी लोअर बाउंड वाला था ओमेगा नोटेशन, ठीक है। तो ये ओमेगा की मैं भी बात कर रही हूँ। लोअर बाउंड या बेस्ट केस जो है ना आपके पास ये ओमेगा नोटेशन कहलाता है, ये लिटल ओमेगा और बिग ओमेगा इसको हम कहेंगे। जबकि अगर हम इस तरफ आए ये जो वर्स्ट या केस आपका है या आपका जो अपर बाउंड है इसकी तरफ हम आए तो एक एल्गोरिदम या तो इसके इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेगा या इससे लेस टाइम लेगा। इससे ग्रेटर टाइम तो वो कभी भी नहीं ले सकता क्योंकि ये एक एल्गोरिदम की मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ग्रेटर इसने टाइम नहीं लेना, ठीक है। तो इस लिहाज से आपके पास जो अपर बाउंड है ना उसके लिए आपके पास कंडीशन होती है कि या तो इससे लेस अमाउंट ऑफ टाइम एल्गोरिदम ले रहा है या इसके इक्वल ले रहा है। तो इन दो कंडीशंस के लिहाज से यानी लेस देन और इक्वल के लिहाज से हमने अगेन जो अपर बाउंड है यानी जो हमारी ओ नोटेशन या वर्स्ट केस एनालिसिस आप कह सकते हैं इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशन एंड द सेकेंड वन इज लिटल ओ नोटेशन, ठीक है। तो ये अब हमने आगे यही जो 5 नोटेशंस हैं इनको हमने पढ़ना है।
मेन बात यही है जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, थीटा नोटेशन क्योंकि एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम है, तो इसको इसके आगे फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है, ये एक ही है जिसको हम एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम कहते हैं, कि ये ना तो अपर बाउंड पे जा रही है, यानी ना तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है, और ना ही मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है। अब यहाँ पे हमें बारी बारी सारी नोटेशंस को डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में भी मैंने आपको बताया है, या बिग ओ नोटेशन के अंदर दो केसेस हैं, कि या तो एल्गोरिदम इससे लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेगा या इसके इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट करें दो, आपके पास ये जो एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन लिखा हुआ है ना, मैंने आपको भी बताया कि हम एल्गोरिदम का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, हम उसे किसी फंक्शन की फॉर्म में बताते हैं, कि आपके पास लीनियरली वो ग्रो कर रहे हैं या स्क्वायर की फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। तो उन फंक्शंस को हम जैसे मैथ्स में फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम एफ ऑफ एक्स करके, तो इसी तरह हम एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको भी एफ ऑफ एन या जी ऑफ एन करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, तो इट शोज कि ये दो अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जिनकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आई हुई है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे के बिग ओ नोटेशन में, बिग ओ में लाई कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन, ये जो एफ ऑफ एन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसी फॉर्म में ग्रो कर रही है जिस फॉर्म में जी ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है, यानी लीनियर में अगर ग्रो कर रहा है जी ऑफ एन, तो एफ ऑफ एन भी लीनियर में ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस किस्म की आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है कि दो एल्गोरिदम्स की जो ग्रोथ रेट है उसको कंपेयर किया हुआ है, तो हम बिग ओ की अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देखें तो वो क्या बनती है, कि जो ग्रोथ रेट है ना ऑफ एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ जी ऑफ एन। ये बिग ओ के केस में आपका जो ग्रोथ रेट है किसी भी फंक्शन का, वो दूसरे फंक्शन के या तो लेस हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि ये आपका अपर बाउंड है। अगेन, जो मैं यहाँ से आपको इस ग्राफ से मैंने आपको समझाया था ना, कि अपर बाउंड से ज्यादा तो टाइम नहीं एक फंक्शन ले सकता, या तो उससे कम लेगा या उसके इक्वल लेगा, इसीलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कि एन स्क्वायर के बिग ओ में कौन कौन से फंक्शंस लाई करते हैं, वो वाले लाई करेंगे जो या तो इसके इक्वल है या इससे लेस है। तो एक चीज जो आपने याद रखनी है कि ये आपके पास लिखा है ना, एन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये क्या है, टू एन स्क्वायर है। तो हमने सिर्फ देखना है कि n की वैल्यू किस फॉर्म में जा रही है, जो इसके साथ कॉन्स्टेंट्स है ना उनको हम निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ऐड करने से भी आपका फंक्शन ग्रो n स्क्वायर की फॉर्म में ही करेगा। तो इसलिए हमने जस्ट ये देखना है कि n जो है वो किस फॉर्म में दोनों जगह ग्रो कर रहा है। तो इधर भी n स्क्वायर है और इधर भी n स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल वाला केस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टू एन प्लस वन जो है, इसके अंदर भी अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स को निग्लेक्ट करें, लाइक इस वन को निग्लेक्ट करें और इस टू को, तो ये लीनियर जा रहा है, तो लीनियर केस जो है, यानी एन वो एन स्क्वायर से लेस है, तो लेस वाले भी अपर बाउंड के अंदर या बिग ओ की नोटेशन में आते हैं, तो इसलिए ये भी इस एन स्क्वायर के अंदर लाई कर रहे हैं। और लॉग ऑफ एन आपको पता है कि लीनियर से भी लेस होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी एन स्क्वायर के अंदर आएगा। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है आपकी जनरली बिग ओ नोटेशन की। फर्स्ट करें दो फंक्शंस हैं आपके पास, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन को बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि उसकी वैल्यू या तो जी ऑफ एन के इक्वल आनी चाहिए या उससे लेस आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ जो एफ ऑफ एन की वैल्यू है वो लेस ही जा रही है जी ऑफ एन से, और यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये इक्वल हो रही है, यहाँ पे भी लेस ही है। इस एक स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्राफ में ये थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको भी मैंने बताया कि इन रियल लाइफ जब एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसे किस मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं, वही जो भी मैंने आपको बात बताई। तो इसलिए इस तरह के माइनर डिफरेंसेस को हम निग्लेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एन की वैल्यू लेस ही रह रही है इससे, या इसके इक्वल है किसी किसी जगह पे, ठीक है। तो ये जो बिग ओ की कंडीशन है कि लेस देन और इक्वल, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो आपके पास होगी बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन। अब हमारे पास आती है बिग ओ मेगा। बिग ओ मेगा आपका बेस्ट केस है, और इसको हम लोअर बाउंड भी बोलते हैं। और लोअर बाउंड मींस के मैक्स मिनिमम कितनी वैल्यू एक एल्गोरिदम ले सकता है। तो जाहिर है फिर एक एल्गोरिदम इससे या तो इक्वल इसके वैल्यू लेगा या इससे ग्रेटर लेगा, इसलिए इसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल की कंडीशन है। और अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें
तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। अब इस ग्राफ में अगर आप हम जनरली इस ग्राफ को देखें तो आपके पास हमने एफ ऑफ एन की वैल्यू को कंपेयर करना है जी ऑफ एन के साथ। सी इज एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है जो कि जी ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हमने वैसे भी कॉन्स्टेंट्स को हमने निग्लेक्ट करना होता है, मेन हमने एन को देखना है कि एन किस फॉर्म में जा रहा है, एन ही के फॉर्म में जा रहा है या एन स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ में एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर जा रही है, क्योंकि जी ऑफ एन तो ये चल रहा है ना, एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, इन पॉइंट्स पे इक्वल है, ठीक है। इस थोड़े से पोर्शन के अंदर ये सिर्फ लेस जा रही है। तो इस तरह के मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, उसको हमने निग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिग ओमेगा की डेफिनेशन है। बिग थीटा क्या है कि ना तो एल्गोरिदम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, यानी ना तो वो अपर बाउंड जितना टाइम ले रहा है, और ना ही एल्गोरिदम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, यानी कि ना ही वो लो। तो इस किस्म के जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको हम थीटा के अंदर क्या कहना चाहिए, कैटेगराइज करते हैं। और इसके अंदर जस्ट आपके पास क्या कंडीशन है, इक्वल की कंडीशन है, ये लेस देन और ग्रेटर की कंडीशन नहीं है। बीच की किसी वैल्यू के इक्वल अगर ये आ जाता है तो देन हम कहते हैं कि आपके पास ये एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, या इसका ग्रोथ रेट जो है वो एवरेज में इंक्रीज कर रहा है। अब ये तो तीन जो आपकी जनरल टर्म्स हैं, जो ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन डिफाइन हो गई। अब आगे से जो हमने ओ को फर्दर टू में कैटेगराइज किया हुआ है, लिटल ओ में और बिग ओ में, और इसी तरह ओमेगा को भी हमने बिग ओमेगा और लिटल ओमेगा में कैटेगराइज किया हुआ है, वो डिफाइन की हुई है। तो लिटल ओ के अंदर हम क्या करते हैं कि इक्वालिटी की कंडीशन को हम नहीं कंसिडर करते। जो बिग ओ के अंदर क्या कंडीशन थी, या तो लेस देन की कंडीशन थी या इक्वल की कंडीशन थी। तो इक्वालिटी की कंडीशन को अगर हम निग्लेक्ट कर दें, सिर्फ हम लेस देन की कंडीशन को देखें, तो ये फिर आपका लिटल ओ के अंदर लाई करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लिटल ओ नोटेशन इज यूज टू डिस्क्राइब एन अपर बाउंड दैट कैन नॉट बी टाइट। टाइट अपर बाउंड किस वजह से होता है, इक्वालिटी की वजह से होता है। यानी इसका क्या मतलब है कि टाइट अपर बाउंड का मतलब है कि ये हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस अपर बाउंड को हम कहते हैं कि मतलब इक्वल की इक्वल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इक्वल होगा तो हम उसे कहेंगे ना कि टाइट अपर बाउंड है ये, यानी कि इसकी एग्जैक्टली यही वैल्यू आनी है। तो ऐसे ऐसा अपर बाउंड जो कि हम कहते हैं कि टाइट अपर बाउंड नहीं कहलाता, उसको हम लिटल अपर बाउंड कहेंगे। और इसके अंदर सिर्फ लेस देन की कंडीशन को हम देख रहे होते हैं, और इन अदर वर्ड्स जो इसको हम क्या कह सकते हैं, लिटल ओ नोटेशन को, क्योंकि है तो ये अपर बाउंड ही, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, लूज अपर बाउंड कहेंगे। इसके अंदर इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है, सिर्फ लेस देन की कंडीशन है, क्योंकि एक एल्गोरिदम की जो भी ये मतलब अपर बाउंड या लोअर बाउंड को हम टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड कब कहते हैं, कि जब इसके अंदर इक्वालिटी की कंडीशन हो और कोई चीज इक्वल आ रही हो, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, लिटल ओ से। लिटल ओ ऑफ जी ऑफ एन क्या है कि किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है, रिप्रेजेंट्स दी सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस विद अ स्मॉलर रेट ऑफ ग्रोथ देन जी ऑफ एन। तो कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के लिटल ओ नोटेशन में कब लाई कर रहा होगा, कि जब मतलब वो तमाम, वो कह रहे हैं वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जिनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो जी ऑफ एन से स्मॉलर है। यानी इसके अंदर इक्वालिटी की कंडीशन नहीं आ रही, सिर्फ स्मॉलर देन की कंडीशन आ रही है। तो वो वाले फंक्शंस जिनका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आपके पास जी ऑफ एन, कोई भी स्टैंडर्ड या जनरल फंक्शन हमें गिवन है, उसके रेट ऑफ ग्रोथ से लेस है, तो हम कहेंगे कि ये उसके लिटल ओ नोटेशन में लाई कर रहा है। इसके अलावा हम इसको रिस्ट्रिक्टेड बाउंड भी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड बाउंड इसलिए कह रहे हैं कि जो आपके पास बिग ओ नोटेशन थी उसके अंदर लेस देन की भी कंडीशन थी और इक्वल की भी कंडीशन थी, लेकिन इसके अंदर हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया कि सिर्फ इसमें इनइक्वालिटी वाली कंडीशन को, यानी सिर्फ लेस देन वाली कंडीशन को चेक करना है, इक्वल वाली कंडीशन को चेक नहीं करना। इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि ये आपके पास इनइक्वालिटी में सिर्फ यूज होता है, ठीक है। यानी जैसे पीछे हम देख रहे थे ना कि बिग ओ के अंदर कौन कौन से आ रहे थे, वो वाले फंक्शन आ रहे थे जो इक्वल भी थे और जो लेस भी थे, लेकिन लिटल ओ के अंदर सिर्फ वो आएंगे जो कि लेस होंगे। तो ये तो बाय डेफिनेशन हमने पढ़ लिया ना कि आपके पास लेस ऐसे फंक्शंस जिनकी ग्रोथ रेट जो है वो जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन गिवन है उससे लेस है, वो लिटल ओ नोटेशन में उसकी लाई करता है।
लेकिन इसको अगर हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है. लेट सपोज कि हमें दो फंक्शंस गिवन है. ये फंक्शंस बेसिकली हैं क्या, ये दो एल्गोरिदम्स के रनिंग टाइम है हमारे पास जो कि इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन आ रहे हैं. एक एफ ऑफ एन गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, जी ऑफ एन. कोई भी फंक्शन हमें एफ ऑफ एन गिवन हो और अगर वो हमें कह रहे हैं कि क्या ये जी ऑफ एन के लिटल ओ में लाई कर रहे हैं, जी ऑफ एन के लिटल ओ में लाई करने का क्या मतलब है कि इसका ग्रोथ रेट वैसा ही है जैसा कि एफ ऑफ एन का है, ठीक है. तो उसको प्रूफ करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपना एफ ऑफ एन वाला फंक्शन ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय इसको जी ऑफ एन करना है और इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है. लिमिट आपको याद होगा कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में हम लोग लिमिट अप्लाई करते होते थे कि जहां जहां, अभी मैं एक आपको सॉल्व करके बता दूंगी, जहां जहां एन आ रहा होता था वहां वहां हम लिमिट पुट करते थे. तो इस चीज को हमने सॉल्व करने और अगर तो ये इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इट मींस कि ये इसकी लिटिल ओ नोटेशन में लाए कर रहा है, ठीक है. अब जैसे एग्जांपल आपको आगे गिवन है, ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एन स्क्वायर है और एक एन क्यूब है. हमने चेक करना है कि क्या एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन के लिटिल ओ में लाए कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये इसके लाए कर रहा है, अब हमें प्रूफ करना है कि कैसे कर रहा है, ठीक है. इसके अंदर अगर हम ये इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम सॉरी ये प्लेस ये पुट करें, यहाँ पे ना लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है. लिमिट है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी. एफ ऑफ एन क्या गिवन है हमें, एन स्क्वायर गिवन है, तो हमने एन स्क्वायर लिख दिया एफ ऑफ एन की जगह, ये जो एफ ऑफ एन था. नीचे क्या गिवन है, जी ऑफ एन. जी ऑफ एन क्या है हमारे पास, इधर एन क्यूब है, तो हमने एन क्यूब लिख दिया. अब हमने इसे सॉल्व करके इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल टू जीरो है. पहले तो हमारी ये स्ट्रेटेजी होती है कि हमने इन्फिनिटी को आने से इन्फिनिटी को रिड्यूस करना है, क्योंकि इन्फिनिटी आपको पता है इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनडिफाइंड चीज, ठीक है, कि जिसका कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. तो अगर तो मैं डायरेक्टली एन की जगह ना इन्फिनिटी प्लेस कर दूं, लिमिट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे भी एन होगा वहां वहां पे हमने इन्फिनिटी प्लेस करना है. अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी प्लेस करती हूँ, इन्फिनिटी का स्क्वायर नीचे इन्फिनिटी का क्यूब, तो ये मेरे पास कोई आंसर इन्फिनिटी में ही आएगा. इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है. अब हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा आंसर इन्फिनिटी ना आए, लेकिन कुछ केसेस में अब उस जो हमने इन्फिनिटी को आने से प्रिवेंट करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें शुरू में ही अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास इन्फिनिटी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि जिसके अंदर तब भी इन्फिनिटी रिड्यूस नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट जब आती हैं तो मैं आपको बताती हूँ. अब हम यहाँ पे थे ना, हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा था, मैं नीचे यही वाली चीज करने लगी हूँ. अब हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा आंसर में इन्फिनिटी ना आए. एन स्क्वायर था, एन क्यूब था. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि ऊपर देखिए एन स्क्वायर है, नीचे एन क्यूब है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दो एन होंगे वो इसके दो एन के साथ कैंसिल हो जाएंगे और नीचे सिर्फ एक एन बच जाएगा. तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया ये वन बाय एन, ठीक है, वन बाय एन बच गया और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं n approaches to infinity या n tends to infinity. अब जहां जहां पे भी n है वहां पे infinity place कर देना है, one by infinity हो गया. अब किसी भी चीज के नीचे जब infinity divide हो रहा हो तो उसका आंसर आपके पास zero आता है. वो क्यों आता है कि infinity का मतलब होता है आपके पास one by zero. तो अगर मैं one divided by infinity का क्या मतलब है, one divided by one by zero, इसको अगर मैं solve करूं तो वन ऊपर ही रहेगा, इस वाली नीचे वाली फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेके आते हैं तो फ्रैक्शन आपको पता है रिवर्स हो जाती है. नीचे वन बाय जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगी, आके जीरो बाय वन. तो जीरो को वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर जीरो ही आएगा. तो हमने यही चीज लानी थी ना कि जब हम सॉल्व करें तो आपके पास आंसर जीरो के इक्वल आना चाहिए. तो जब आंसर आपका जीरो आ जाता है तो इट मीन्स कि ये इसके लिटिल ओ नोटेशन में लाए कर रहा है. इसमें कोई कंफ्यूजन? चलें फिर ये वाला जो है ना अपने पास सॉल्व करें. ये जो लिखा हुआ है ना मैंने ये वाली एग्जांपल, कि आपने बताना है कि क्या 2n जो है वो n स्क्वायर के लिटिल ओ में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा.
अब इसके अंदर ये वाली फॉर्म ही बनी हुई है ना, जो जनरल फॉर्म नहीं होती थी एफ ऑफ एन इक्वल टू लिटल ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो ये हमारे पास यही फॉर्म बन रही है ना, एफ ऑफ एन इक्वल टू लिटल ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो इसको इसी फॉर्मूले के थ्रू जरा सॉल्व करें और ये मुझे बताएं कि क्या ये लिटल ओ में लाइज के कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये एंड में आपने ना लेक्चर के बाद अपलोड भी करने होंगे, फोल्डर में क्रिएट कर दूंगी जो अभी आप करेंगे। इसको करके मुझे जरा बताएं कि क्या ये आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये उसके लिटिल ओ में लाई कर रहा है। अगर सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ेगी तो आपने सिंप्लीफाई करना है वहां पे। अच्छा करके फिर मुझे बताएं जिसका हो जाए। हो रहे कुछ बताएं मुझे, समझ आ रही है? अच्छा मैम, इसका भी 0 आ रहा है। आ रहा है ना 0, अगर आप सिंपलीफाई कर लेना तो फिर आपके पास 0 आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका आ रहा है? ठीक यस मैम, है 0 ही आ रहा है मैम। ठीक है। ये एंड में लेक्चर के ना अपलोड कर दिएगा, मैं फोल्डर बना दूंगी उस पे। अच्छा ओके मैम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो वो कह रहे हैं कि 2n² नॉट इक्वल टू ओ लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर, यानी ये चीज आपके पास ट्रू नहीं है। यानी जो 2n² है वो लिटिल ओ के ऑर्डर में नहीं लाई कर रहा एन स्क्वायर के। वो क्यों नहीं लाई कर रहा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि लिटिल ओ के अंदर हम इक्वालिटी वाली कंडीशन को नहीं देखते, हम सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर था ना, हाँ ग्रेटर देन वाली, हाँ ग्रेटर देन वाली कंडीशन को देख रहे हैं, सॉरी लेस देन वाली कंडीशन को देख रहे हैं। तो 2n² और n² तो इक्वल आ जाते हैं, इसलिए ये नॉट इक्वल आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको जस्ट बिग ओ नोटेशन में और लिटिल ओ नोटेशन में डिफरेंस क्लियर करने के लिए ये बताया हुआ है। बिग ओ के अंदर कौन कौन से आ रहे थे आपके पास? लेस देन वाले फंक्शन भी आ रहे थे और इक्वल वाले फंक्शन भी आ रहे थे। तो इसके अंदर देखेंगे इक्वल वाला हो गया, एन इससे लेस होता है एन स्क्वायर से, तो लेस वाला हो गया, लॉग एन भी लेस होता है तो ये लेस हो गया। लिटिल ओ के अंदर सिर्फ लेस वाले फंक्शन आते हैं, तो लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर में आप देख सकते हैं इस तरह के फंक्शंस आ सकते हैं जो कि लीनियर वाले हैं, या लीनियर से भी लेस जो कि लॉगरिथम में जा रहे हो वो आ सकते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन बिग ओ एंड लिटिल ओ क्लियर आपको बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक चीज ये हो सकती है, ये वाला मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखें अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें ना लिमिट का, तो इस तरह था ना कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? लॉग एन आएगा ऊपर एफ ऑफ एन की जगह, और जी ऑफ एन की जगह क्या आएगा? एन स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉग ऑफ एन और एन स्क्वायर को हम किसी भी तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कि इसके अंदर कोई कटिंग नहीं हो रही। तो
इसी के अंदर अगर मैं सॉरी तो इसी के अंदर अगर मैं इंफिनिटी पुट करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है लॉग ऑफ इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी का लॉग भी कोई इंफिनिटी वैल्यू आती है और ये भी इंफिनिटी आएगी, तो हमारे पास इंफिनिटी ही आंसर आ रहा है। तो इस किस्म का जो आंसर है जिसके अंदर इंफिनिटी आ रहा हो वो हमारा इनडेफिनेट केस कहलाता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट केस को भी हमने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कुछ में अगेन जो है आपके पास इंफिनिटी ही आंसर आएगा। तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये उसके लिटिल ओ में लाइक नहीं कर रहा। लेकिन इस इनडेफिनेट केस को रिड्यूस करने का सोल्यूशन क्या है कि हमने इस वाले फंक्शन का भी जो लॉग ऑफ एन है और जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इन दोनों का डेरिवेटिव लेना होता है और डेरिवेटिव पे लिमिट अप्लाई करनी होती है। डेरिवेटिव आपके पास क्या होता था कि जो आपके मैथ्स में आपने पढ़ा था, अगर लॉग की फॉर्म में कोई फंक्शन जा रहा है ना तो लॉग ऑफ एन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/n। लॉग ऑफ एन का ना याद रखना है, ये थोड़ा डिफाइंड है डेरिवेटिव के इसी तरह आता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में जा रहा है ना जो पावर की फॉर्म में जैसे एन स्क्वायर है, तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होता है। पावर रूल में होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर में चीज है ना टू, ये मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो टू शुरू में आ जाता है यानी पावर हमारी शुरू में आ जाती है। फिर हम अपना एन लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये 2n बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2n आ गया। और लिमिट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये 1/n है और इस 2n को अगर मैं उस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये सिंपल 2n था, तो ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा 1/2n, तो ये क्या बचेगा 1/2n2। इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n2, तो n की जगह इंफिनिटी अप्लाई होगा, इंफिनिटी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन इंफिनिटी आंसर आने, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम इनडेफिनेट केस को रिमूव करने के लिए हम ये वाला काम करते हैं कि हम दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे और देन हम देखेंगे कि आंसर क्या आप 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये उसके लिटिल ओ नोटेशन में ही लाई कर रहा है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना आपके पास डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको हम लॉपिटल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है, ये तो हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखें, अपने पास लॉग एन इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ एन, इसके अंदर भी इनडेफिनेट केस ही बनेगा। इसको अपने पास सॉल्व करके देखें, अगर इनडेफिनेट केस बन रहा हुआ तो अगेन इसी तरह आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ये जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। अब
हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एन का डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं? एन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? कोई बताए ना मुझे क्या हो रहा है, मतलब समझ आ रही है? पहले आपने देखे देखे एक फंक्शन क्या गिवन है, लॉग ऑफ एन गिवन है ना, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एन क्या गिवन है, सिंपल एन गिवन है। ये देखिए इक्वल के इस तरफ जो लिखा होता है ना ये चीज, इसको हम एफ ऑफ एन कंसिडर करते हैं, और जो ओ के अंदर लिखा होता है इसको हम जी ऑफ एन कंसिडर करते हैं। तो उस एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को आपने ये जो पहली इक्वेशन नहीं गिवन थी इसके अंदर पुट करना है। अगर आप डायरेक्टली, पहले तो मैं आपको कह रही थी ना कि आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप पुट करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लॉग एन आ रहा है और नीचे एन आ रहा होगा, ऐसा ही आता है ना। इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस पे डायरेक्टली अगर आपने लिमिट लगाई होगी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको ये वाली नहीं करके दिखाई थी, हाँ ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाई है ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी ना। ये देखिए ये जो मैंने आपको करके दिखाई थी कि आपने इधर इन्फिनिटी लगाया, ये मैं ये वाली बता रही हूँ, ठीक है ये वाली बता रही हूँ, ये जो है जी मैम, लिखी हुई लॉग एन इक्वल टू लेटा लो ऑफ एन स्क्वायर, मैंने लिखी नहीं थी, यहाँ रिमूव हो गई है। अच्छा यहाँ पे आ रहा था आपके पास, हम लिखेंगे जी, क्योंकि आप देख सकते हैं लॉग एन और एन स्क्वायर को हम कटिंग नहीं कर सकते, इसकी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम इसी तरह इस पे इंफिनिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ इंफिनिटी और नीचे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी का जब हम लॉग लेते हैं ना तो वो भी कोई वैल्यू इंफिनिटी में ही आएगी, और सेम इसी तरह इंफिनिटी का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना तो वो भी इंफिनिटी में ही आती है वैल्यू, तो इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। यानी इंफिनिटी का मतलब होता है कि ये अनडिफाइंड आंसर है या फिर इनडेफिनेट केस है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा ये कंसर्न होता है कि हमने इस इनडेफिनेट केस को रिड्यूस करना है, तो उस इनडेफिनेट केस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉपिटल रूल यूज करते हैं। और लॉपिटल रूल है क्या कि हमने सिंपल जो फॉर्मूला था ना कि हम ऊपर एफ ऑफ एन लिख रहे थे नीचे जी ऑफ एन लिख रहे थे, उसकी बजाय अब हमने ऊपर एफ ऑफ एन का डेरिवेटिव लिखना है और नीचे जी ऑफ एन का डेरिवेटिव लिखना है, और उस पर ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो अगर मैं यहाँ से नीचे इधर आऊं तो यानी कि मैंने लॉग ऑफ एन का डेरिवेटिव लेना है और एन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव आपने ना होते थे मैथ्स में, फर्स्ट सेकेंड ईयर थी मैथ्स में, आपने उसको पढ़े होंगे, ये अभी शायद लीनियर अलजेब्रा में पढ़े हो। तो ये सिंपल अगर आपके पास लॉग एन लिखा हुआ है ना तो उसका डेरिवेटिव तो आपने याद रखना है, इसका फॉर्मूला ही ये होता है, आपने इसका डेरिवेटिव आप लिख देते होते हैं 1/n। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर कोई पावर है अप्लाई हुई है, जैसे एन स्क्वायर ये 2 पावर है ना, तो उसका डेरिवेटिव हम पावर रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो पावर रूल क्या हमें कहता है कि जो पावर है ना उसको शुरू में लिख देना होता है 2 को, फिर हमने ये एन लिखना है, और फिर क्या करना है पावर में से जो भी पावर है, इधर तो 2 है तो मैं 2 लिख रही हूँ, अगर 3 होगी तो 3 लिखूंगी, इधर हम क्या करते हैं 2 - 1 कर देते हैं। और ये जो लिमिट है ना ये अभी साथ साथ ऐसे ही चल रही है। अब नेक्स्ट अगर मैं नीचे आती हूँ ये 1/n है, ये क्या बन जाता है 2n बनेगा ना, कि देखिए n की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, तो सिंपल ये क्या हो गया, तो ये सिंपल क्या हो गया 2n हो गया, क्योंकि n के ऊपर पावर 1 है ना तो 2n हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूं ये चीज क्या बनेगी, तो एक तो 1/n है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई जब चीज होती है तो वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि अभी ये डिनोमिनेटर में है ना यानी नीचे है, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगी 1/2n। तो यहाँ से ये क्या फॉर्म बन रही है 1/2n2, तो इस 1/2n2 के ऊपर अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है। तो इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं 1/2n2 पे, ये यहाँ पे देखें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी जहां पे भी n है वहां पे मैं क्या लिख दूंगी, इंफिनिटी लिख दूंगी। तो इंफिनिटी का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी इंफिनिटी आता है, उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंफिनिटी आएगा, यानी ये 1/इंफिनिटी ही आंसर आएगा। और कोई भी चीज के नीचे जब इंफिनिटी से कोई चीज डिवाइड हो रही होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ये भी याद रखना है। एक तो लॉग एन का डेरिवेटिव याद रखने वाली चीज है,
पावर रूल आपको पता होना चाहिए क्या है, और इसके अलावा जब इन्फिनिटी नीचे आ जाते हैं और वन ऊपर होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली जीरो हम लिख देते हैं। तो अब यहाँ से आप देखें, अब ये इक्वल टू जीरो आ गया है ना, ये जो इधर लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है ये उसके लिटिल ओ नोटेशन में ही लाई कर रहा है। अब एग्जैक्टली इसी तरह आपने ये वाला सॉल्व करना है कि लॉग एन इक्वल टू ओ ऑफ एन, इधर एन स्क्वायर था ना, इधर सिंपल एन है, तो इधर सिंपल एन का जब आप लेते हैं ना डेरिवेटिव, तो वो वन आता है सिर्फ। सिंपल एन का डेरिवेटिव भी याद रखना कि वो वन आता है, लॉग का डेरिवेटिव वन बाय एन आएगा, और सिंपल एन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वन आता है, और अगर आपके पास पावर यूज हो रही है तो तब हम पावर रूल लगाएंगे डेरिवेटिव लेने में। अब इस वाले ये लिखे ना, इसमें आपका एफ ऑफ एन क्या है, लॉग एन है, और आपका जी ऑफ एन क्या है, सिंपल एन है, उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है बस। या ये एज अ टास्क दे दूं तो बाद में जरा देख के कर लिएगा। इसमें मुझे बताएं समझ, इसमें क्या चीज नहीं समझ आई जो अभी मैंने आपको ये वाली एग्जांपल बताई है इसके अंदर? आ गई है ना, तो देखें जब ये दूसरी एग्जांपल है ना, इसमें भी देखें एफ ऑफ एन लॉग एन ही गिवन है, जैसे ऊपर गिवन था, और जी ऑफ एन उधर एन स्क्वायर गिवन था, इधर क्या गिवन है, एन है, तो सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर इसको भी सॉल्व करना है। ये सक नहीं, ये जो दो लिखे हुए ना, एक लॉग एन इक्वल टू लिटल ओ ऑफ एन और लॉग एन इक्वल टू लिटल ओ ऑफ एन की पावर 1/2, ये दोनों आप लोगों ने ना मुझे आज तक मतलब आज के दिन में ही ना इसको सॉल्व करके तो पिक्चर्स बना के अपलोड कर दिएगा जो मैं फोल्डर बनाऊंगी। अभी हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। स्लाइड 16 के ऊपर जो दो क्वेश्चंस है ना वो आपने अपलोड करके ना, ये आपने देख लेना है कि n की पावर 1/2 है, तो इधर जो पावर रूल लगेगा ना 1/2 शुरू में करके, सेम उसी तरह लगेगा, लेकिन 1/2 की वजह से थोड़ा सा सॉल्व करना इसको और तरीके से होगा, तो वो जरा ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिटिल ओमेगा। तो जैसे बिग ओमेगा था ना, बिग ओमेगा के अंदर आपके पास क्या केस था, ग्रेटर देन की कंडीशन थी और इक्वल की कंडीशन थी, तो जो लिटिल ओमेगा है ना उसके अंदर सिर्फ आपके पास इक्वल की कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन होगी। तो अगेन हम यही कहेंगे कि जो लिटिल ओमेगा है ये भी आपके पास एक लोअर बाउंड है, दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट, ये इसके अंदर इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है, इसलिए ये लूज लोअर बाउंड है, ये एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस विद अ ग्रोथ रेट ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जी ऑफ एन। इक्वालिटी की कंडीशन नहीं आ रही, ग्रेटर की कंडीशन आ रही है कि वो वाले सिर्फ एल्गोरिदम्स आएंगे या फंक्शंस जिनका ग्रोथ रेट इससे ग्रेटर होगा। अब इसको ये तो हमने बाय डेफिनेशन बता दिया ना कि लिटिल ओमेगा होता क्या है, मैथमेटिकली अगर हमने इसको प्रूव करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यू कैन सी हेयर के फॉर्मूला वैसा ही है, सिर्फ आपके पास आंसर वहां पे जीरो आना चाहिए था, जब जीरो आता था तो हमें पता चल गया कि ये उसके लिटिल ओ के नोटेशन में ही लाई कर रहा है, लेकिन जहाँ पे आंसर आपके पास इंफिनिटी आना चाहिए। तो अगर इस केस को मैं सॉल्व करती हूँ इस चीज को, तो यहाँ से आप देखें इसके अंदर अगर मैं ये पुट करूँ कि हम कह रहे हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ ऑफ एन क्या है मेरे पास, 3 रेस टू द पावर n है, और जी ऑफ एन क्या है, 2 रेस टू द पावर n है। अब आप देख सकते हैं इसकी कोई हम वो नहीं कर सकते, इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ से डायरेक्टली हमने क्या करना है कि इन्फिनिटी पुट कर देना है जहां जहां पे भी n है, तो 3 की पावर इन्फिनिटी और 2 की पावर इन्फिनिटी, तो किसी भी चीज की पावर जब इन्फिनिटी हो ना तो वो भी इन्फिनिटी में ही आंसर आ रहा होता है, तो ये इन्फिनिटी में ही आना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये इसके लिटिल ओमेगा की नोटेशन में ही लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये इंडेफिनेट केस नहीं है, ये शायद ना ये मैं बाद में रिमूव कर दूंगी, ये जब मैं अपलोड करूंगी ना लेक्चर तो मैं रिमूव कर दूंगी। ओहो ठीक है, तो इसके ये वाली जो स्लाइड 17 के ऊपर जो एग्जांपल 2 लिखी हुई है ना, एन स्क्वायर इक्वल टू लिटल ओमेगा ऑफ लॉग ऑफ एन, ये वाली एक
और जो पीछे ये दो लिखी हुई थी, ये आपने आप सॉल्व करके ना तो इसको अपलोड करना होगा। अच्छा यहाँ पे अब वो हमें क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे वो ये बता रही हैं कि एक एल्गोरिदम अगर आपको गिवन है तो ओवरऑल उसका रनिंग टाइम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये वाला सिंबल आपके पास यूज होता है समेशन के लिए, ये आपको पता होगा। सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल फ्रेगमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एक एल्गोरिदम के अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स गिवन है उन सब के रनिंग टाइम पे डिपेंड करता है एक एल्गोरिदम का रनिंग टाइम। फर्ज करें कि आपके पास ये एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है एक एल्गोरिदम के अंदर कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया विच इज इक्वल टू 5। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करा रहे हैं और उसको हम वैल्यू जस्ट असाइन कर रहे हैं 5। तो ये वाला जो एल्गोरिदम है ये कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा चलने में, यानी कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम को हम हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसका मतलब है 1 सेकेंड, इसका मतलब है कि कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट 1 से करते हैं। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो हम कह रहे हैं ना कि एक एल्गोरिदम के फंक्शन की फॉर्म में उसका रनिंग टाइम हमारे पास आता है, तो वो फंक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं। तो सिंपल अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई हुई है तो वो तो कोई कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही हमारे पास लगेगा। हम कह देते हैं लेट सपोज 1 सेकेंड हमारे पास लगेगा। अब एक और अगर फर्ज करें इसी के अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं 5 × 10 कर रहे हैं, तो एक टाइम लगेगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होने में और एक टाइम लगेगा इसकी वैल्यू इस टेस्ट वेरिएबल को असाइन करने में। तो इसका हम कह देंगे कि इसकी जो टाइम है इसके अंदर फर्ज करें 2 सेकेंड्स टाइम लग रहा है। यानी होता है ना एक एल्गोरिदम के अंदर या कोड के अंदर शुरू में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए होते हैं, फिर लूप्स लगे हुए होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ओवरऑल जो रनिंग टाइम है ना एक एल्गोरिदम का, वो बेसिकली उसके तमाम फ्रेगमेंट्स के रनिंग टाइम के सम पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में वो केस स्टडी की थी, उसके अंदर भी हम एट द एंड क्या करते थे कि हर लाइन के अक्रॉस जो कॉस्ट या रनिंग टाइम आया था उसको हमने एट द एंड ऐड कर दिया था। ठीक है, और अगर सिंपल लूप लगा हुआ है ना आपके पास, ये तो हो गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में कितना टाइम लगता है। सिंपल अगर लूप लगा हुआ है कि आई इक्वल टू 1 है, आई को हम लेस देन और इक्वल टू एन रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है आई प्लस प्लस, ये शायद मैंने उस दिन भी आपको बताया था। यहाँ पे सिंपल वैल्यू असाइन हो रही है तो 1 सेकेंड लगेगा, यहाँ पे क्या हो रही है वैल्यू कंपेयर हो रही है एन के साथ। तो जितने टाइम्स एन होगा, जैसे फर्ज करें एन अगर 10 है तो उतने टाइम ही ये कंपेरिजन होगा, लेकिन एक दफा वो कंपेरिजन इसमें वो भी तो होता है ना जिसपे वैल्यू आपकी फॉल्स आ जाएगी, यानी आई की वैल्यू फर्ज करें एन की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो 10 लेस देन और इक्वल टू 10 पे भी ये कंपेरिजन ट्रू होगा। फिर दोबारा जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 लेस देन और इक्वल टू 10 ये वैल्यू फॉल्स होगी, लेकिन फॉल्स पे भी कंपैरिजन तो एक दफा होता है ना। तो इसके अंदर ये जो सेकंड वाली है इसके अंदर आपके पास कितना टोटल टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में, n+1 लगेगा, यानी n टाइम्स तो लगना ही लगना है। एक प्लस वन क्यों हो रहा है कि वो जो एक फॉल्स स्टेटमेंट को इसने चेक नहीं करना होता उसके लिए। और इंक्रीमेंट कितने टाइम्स होगा, इंक्रीमेंट उतने टाइम्स ही होता है जितने टाइम्स आपका ये कंपैरिजन ट्रू होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट आपका एन टाइम्स होगा, तो टोटल इसमें आप देख सकते हैं कि 1+n+1+n लग रहा है। तो ये हमारे पास बनता क्या है 2+2n बनता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट्स को हमने निग्लेक्ट करना होता है। यहाँ से हमें जस्ट ये पता चल रहा है कि ये जो लूप है ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर में आएगी, यानी अगर हम इसे बिग ओ की फॉर्म में लिखते हैं तो बिग ओ ऑफ एन बनेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये आगे डिफाइन हुआ है ये चीजें। और अगर फर्ज करें कि दो लूप्स हैं, एक लूप इसी तरह आई है जो कि 1 से n तक चल रहा है, दूसरा लूप हमारे पास फर्ज करें कि जे है जो कि वो भी जे 1 से लेके n तक ही चल रहा है। तो दो लूप्स या नेस्टेड लूप्स जब आपके पास यूज हो रहे होते हैं ना तो वो दोनों लूप्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इस पूरी लाइन लूप ने भी n टाइम्स चलना है। सिंपल एक लूप गिवन हो अगर हमें, यानी 1 से अगर वो n तक चल रहा है तो हम कहते हैं कि ये जनरली हम यही कहते हैं कि ये n टाइम्स ही चल रहा है, लेकिन वो एंड टाइम्स होता कैसे है वो ऐसे होता है ये जो मैंने आपको ये सारा स्टेप करके बताया है, लेकिन हम जनरली कह सकते हैं कि ये सिर्फ एंड टाइम्स ही चल रहा है। और जो दूसरा लूप है वो भी एंड टाइम्स चल रहा है, ठीक है, वो भी ऐसे ही चलेगा ना जैसे ऊपर वाला चल रहा था। तो ओवरऑल ये लूप एक दूसरे पे क्योंकि डिपेंडेंट है तो ये n² टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे ये लूप्स। ठीक है,
एक ये हो गई हमारे पास, मतलब कि मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि किस किस तरह की फ्रेगमेंट्स एक एल्गोरिदम के अंदर आ सकते हैं आपके पास। दूसरी ये चीज है कि फर्ज करें आपके पास, अब डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम मैक्सिमम जितना, मतलब एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड है ना, फर्ज करें उसके अंदर इफ की कंडीशन थी, इफ के अंदर सिर्फ एक ही लूप लगा हुआ है। जैसे फर्ज करें आपके कोड के अंदर ना, इधर कुछ जगह है, यहाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, एक कंडीशन है इफ की। इफ के अंदर कोई कंडीशन है जो कि जब ट्रू होती है हमें पता है कि तभी इफ कंडीशन चलती है, उसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। और इसी प्रोग्राम के अंदर जो इफ के बाद इसकी एल्स की कंडीशन है ना, उसके अंदर दो फॉर लूप्स लगे हुए हैं। तो आपके पास इस एल्गोरिदम का टोटल जो रनिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा इनपुट पे, कि इनपुट हम इसे किस किस्म की दे रहे हैं। जिस किस्म की भी इनपुट दे रहे होंगे उस पे अगर वैल्यू ट्रू होगी तो सिर्फ एक लूप चलना है ना, यानी कि एन टाइम्स चलना है। लेकिन अगर हम इसे कुछ इस किस्म की इनपुट दे रहे हैं जो कि एल्स पे ट्रू हो रही है, एल्स वाली कंडीशन में, तो एल्स वाली कंडीशन में आप देख सकते हैं कि दो लूप्स लगे हुए हैं, तब इसने एन स्क्वायर टाइम्स चलना है। तो बेसिकली आपके ओवरऑल फिर आपके पास जो ये एल्गोरिदम होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये एन टाइम्स चलेगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एन में जाएगी, और अगर एल्स की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये एन स्क्वायर में जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि एल्गोरिदम है जिसके अंदर यू इफ एल्स नहीं लगे हुए, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, या आप समझ लें कि एक फंक्शन है इसके अंदर, उसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है और दूसरा फंक्शन है इसी के अंदर, उसके अंदर आपके पास दो फॉर लूप्स लगे हुए हैं, तो अब ये वाला एल्गोरिदम कितने टाइम्स चलेगा, ये किसी को समझ आ रही है? इसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन नहीं है, दो फंक्शंस हैं, जैसे होते हैं ना आपके पास फंक्शन, एक फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर एक दफा एक फॉर लूप लगा हुआ है, और अगर और दूसरे फंक्शन के अंदर दो दफा फॉर लूप लगा हुआ है, तो फंक्शन के अंदर इफ एल्स की कंडीशन तो नहीं होती, हर हालत में आपके दोनों फंक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है इस एल्गोरिदम के अंदर। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा वाला फंक्शन ले रहा है, दो लूप्स वाला ले रहा है या एक लूप वाला ले रहा है? दो लूप्स वाला ले रहा है ना, तो मैक्सिमम जितना टाइम ले रहा है वो हम ओवरऑल हम कहेंगे कि इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी मैक्सिमम तरफ ही जाएगी। डिपेंड करता है ना कि हो सकता है कि आप, मतलब अगर हम एक जनरली, क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम क्या होगा, तो उसके अंदर जितने मैक्सिमम लूप्स लगे हुए हैं ना, एक अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड में एक लगा हुआ है तो वो तो चले एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में जैसे ये फंक्शन वाला है, इसमें फर्ज करें आपके पास दो लूप्स लगे हुए हैं, तो इसने दो दफा मतलब एन स्क्वायर टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। लेकिन ओवरऑल इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी इस पे डिपेंड कर रही है जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है। जैसे ऐसे होता है कि आपके पास जनरल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसी भी जनरल कोई रियल लाइफ की एग्जाम्पल लें, तो आपका पेपर हो रहा होता है, तो पेपर आपका कोई बच्चा पहले भी पेपर करके चला जाता है, लेकिन पेपर की मैक्सिमम खत्म कब होता है कि जब आपकी मैक्सिमम लिमिट उसकी खत्म हो जाएगी, तो यानी वो डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो हमने एलोकेट किया हुआ था पेपर को, तो सेम इसी तरह फंक्शन, इस फंक्शन को मैक्सिमम टाइम लग रहा था, तो इस पे आपकी ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना एल्गोरिदम की वो इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जस्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि एक एल्गोरिदम की जो रनिंग टाइम है वो उस एल्गोरिदम के अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स ऑफ कोड गिवन होते हैं उन सब के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब ये कुछ जनरल रूल्स बताए हुए हैं, ये हम थोड़ी सी एक ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये जनरल रूल्स में ये बताए हुए हैं कि जब आप आगे इस कोर्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स की, तो कौन कौन से रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, किन रूल्स के तहत हमने कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये एक 10 मिनट की ब्रेक कर लें, अभी क्या टाइम हुआ है, 12:09 हुआ टाइम हो है, रही है। 12:20 पे आ जाइएगा, तभी अटेंडेंस भी नेक्स्ट मैं लूंगी। ओके मैम। ओके मैम।